नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। बॉलीवुड की मशहूर फिल्म रांझना का वो डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, अब प्यार ना हुआ तुम्हारा यूपीएससी का एग्जाम हो गया है, 10 साल से क्लियर ही नहीं हो रहा है। फिल्म के इस डायलॉग से आप समझ सकते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करना कितना कठिन है और ये परीक्षा पास करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर कोई छात्र यूपीएससी की परीक्षा पास कर पाता है। ये बात साल 2013 में यूपीएससी की परीक्षा पास करने वाले आईपीएस आकाश तोमर अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। यही वजह है कि उन्होंने ऐसे छात्रों की मदद करने के लिए अपने नोट्स शेयर करने के साथ साथ अहम टिप्स भी बताए हैं, जिससे यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को कुछ मदद मिल सके। ट्विटर पर शेयर किए गए नोट्स। इस वक्त यूपी के इटावा जिले में एसएसपी की जिम्मेदारी संभाल रहे युवा आईपीएस आकाश तोमर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर बहुत सक्रिय रहते हैं। उन्होंने कुछ ही दिन पहले ट्विटर पर 4 लिंक पोस्ट किए थे। इन लिंक्स में आईपीएस आकाश तोमर के साल 2012 के नोट्स हैं, जिसे पढ़कर वो खुद आईपीएस बने। इस जिप फाइल को ओपन करने के लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में जरूरी एप्स या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पड़ेंगे, तब जाकर आप इसे पढ़ पाएंगे। आईपीएस आकाश ने बताया यूपीएससी कैसे पास करें। यूपी कैडर के 2013 बैच के आईपीएस अफसर आकाश तोमर ने यूपीएससी की परीक्षा पास करने के लिए किस तरह से तैयारी की, अपने अनुभवों के आधार पर यूपीएससी के प्रतियोगी छात्रों के लिए जो 7 टिप्स बताए हैं, उसकी बात करें तो आईपीएस आकाश तोमर के मुताबिक यूपीएससी के लिए आईपीएस आकाश के टिप्स। अपनी तैयारी के दौरान मैं ये सुनिश्चित करता था कि मेरे दिन का एक अहम हिस्सा कम से कम 2 अखबार द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ने में बीते। अखबार को पढ़ने और इसमें दी गई जानकारी को अपनी तैयारी के दौरान कवर किए गए विभिन्न विषयों के नोट्स में शामिल करना एक जरूरी प्रक्रिया है। ये न केवल प्रीलिम्स बल्कि मेंस परीक्षा में उत्तर लिखने में सहायक साबित होंगी। यूपीएससी के लिए आईपीएस आकाश के टिप्स। किसी एक विषय का अध्ययन करते समय इसे बड़े पैमाने पर कवर करना जरूरी होता है। उन प्रश्नों का एक वेब बनाना सीखें जो संभावित रूप से उस एक विषय से उत्पन्न हो सकते हैं। ये न केवल मेंस और निबंध की तैयारी में मदद करेगा, बल्कि जब आप साक्षात्कार के चरण में पहुंचेंगे तो वहां भी कई प्रश्नों का उत्तर देने में आपकी मदद करेगा। यूपीएससी के लिए आईपीएस आकाश के टिप्स। कई किताबों में निवेश करने और उन्हें पढ़ने में समय लगाने से बेहतर है एक किताब को कई बार पढ़ना। जैसे जैसे परीक्षा की तारीख नजदीक आती जाती है, हर विषय की एक अच्छी किताब और उससे बनाए गए नोट्स को बार बार रिवाइज करें। परीक्षा से कुछ समय पहले किसी भी नई किताब या सामग्री को पढ़ने से बचें। यूपीएससी के लिए आईपीएस आकाश के टिप्स। नोट्स बनाते समय मैंने महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद रखने के लिए छोटे शब्दों का उपयोग किया था। कभी कभी शब्दों के समूह के सामान्य वाक्य होते हैं जो सामने आते रहते हैं। संकेताक्षर इन्हें याद रखने में मदद करते हैं। इन संक्षिप्तीकरणों से किसी को भी तार्किक अर्थ बनाने की जरूरत नहीं है और ये सिर्फ व्यक्तिगत आकांक्षी की मदद करता है। ये प्रक्रिया रिविजन अवधि के दौरान मददगार साबित होती है। यूपीएससी के लिए आईपीएस आकाश के टिप्स। ये अहम है कि आप अपने आराम के स्तर और अपने ज्ञान के आधार पर अपना वैकल्पिक पेपर चुने। उन विषयों को ना चुने जो ट्रेंड में है। जिस विषय में आपकी रुचि है उसे चुनने से उसे बेहतर ढंग से अध्ययन करने और परीक्षा में अच्छे अंक पाने में मदद मिलती है। वैकल्पिक पेपर चुनना एक कठिन फैसला है, इसीलिए सुनिश्चित करें कि आप उस फैसले को लेने से पहले अपना समय लें। यूपीएससी के लिए आईपीएस आकाश के टिप्स। परीक्षा से कुछ महीने पहले आकाश तोमर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से खुद को अलग कर लिया था। यहां तक कि स्मार्टफोन की जगह उन्होंने एक साधारण मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया जिसमें केवल कुछ ही फोन नंबर थे। वो कहते हैं, मैं ऐसे किसी भी काम में अपना समय और ऊर्जा खर्च नहीं करना चाहता था जिससे कि मेरा ध्यान भंग होता था। यूपीएससी के लिए आईपीएस आकाश के टिप्स। विशेष रूप से भूगोल जैसे विषयों में जिसे पढ़ने और याद रखने के लिए बहुत सारे नक्शे हैं, विजुलाइजेशन तकनीक का उपयोग करने में मदद करता है। आईपीएस आकाश तोमर से लोग अक्सर पूछते रहते थे कि आपने यूपीएससी कैसे क्लियर किया, आप तैयारी कैसे करते थे। युवाओं की ओर से आने वाले ऐसे तमाम सवालों की वजह से ही उन्होंने सोशल मीडिया पर यूपीएससी की तैयारी करने के दौरान साल 2012 में जो नोट्स तैयार किए थे उसे लोगों के साथ साझा करने का फैसला किया। साथ ही उन्होंने प्रतियोगी छात्रों को 7 टिप्स भी दिए हैं जिसके बारे में हमने आपको बताया। हमने आईपीएस आकाश तोमर के नोट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहें तो वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। बहरहाल आईपीएस आकाश तोमर के बताए गए टिप्स के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं।